नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कोट कॉलर बनाना। दोस्तों कोट कॉलर बनाने के लिए हमने ये जो कमीज कटिंग कर लिया है और ये कॉलर के लिए हमने डिजाइन वाला कपड़ा लिया है। ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है जिसका हम जो ये पेस्ट हो जाती है जिसको हम कॉलर के अंदर की साइड डालते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट साइड लेंगे और बैक साइड को अलग कर लेंगे। फ्रंट साइड लेने के बाद हम फ्रंट में से गला कटिंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई रखेंगे वह हमने रखनी है 3 इंच और जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5। यहाँ पे हम बिल्कुल हल्की गोलाई देते हुए इस प्रकार इस गले की कटिंग करेंगे। ये हमने गले की कटिंग कर लिया दोस्तों। अब हमने जो जिस डिजाइन का हमने कॉलर लगाना है वही कपड़ा हमने नीचे तक इस शेप में डालना है। यहाँ से ये वाली शेप हमारे जो कॉलर आएगा उसी के साथ के कपड़े की हमने ये डिजाइन में इस तरीके से डालनी है। ये आपको जब मैं स्टिच करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मैंने निशान लगाया है किस लिए लगाया है। हमने इतने ही डिजाइन वाला कपड़ा कटिंग करना है ये जिसका हमने कॉलर बनाना है। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे इस प्रकार। और यहां से हम सेम जैसे मैंने कटिंग किया था उसी प्रकार कटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी कटिंग करेंगे और यहां पे हम कट लगाएं या निशान लगाएं। नीचे की साइड हमने जैसे गला डीप रखना है तकरीबन हम 8 इंच तैयार रखेंगे गला। आधा इंच हमारा मार्जिन का जो ऊपर की साइड मार्जिन रहता है तो हम यहाँ से 8.5 इंच तैयार गला रखेंगे। और हमें 2 से 3 इंच का नीचे एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिसमें से हम ये कपड़ा कट करेंगे। ये जो पीस है हम इस प्रकार कटिंग कर लेंगे दोस्तों। अब हमने इस पीस के ऊपर पेपर पेस्ट करना है। जो ये हमारा कपड़ा है इसके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग करेंगे। कपड़े के साथ साथ पहले हम पेपर पेस्टिंग कटिंग करते हैं। अब हम प्रेस से इसको पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों हमने सेम पेपर पेस्टिंग कर लिया है इसी प्रकार जैसे हमने कपड़ा कटिंग किया था। सेम प्रॉपर हमारी ये कटिंग हो गई है और पेस्ट भी हो गई है। अब हम इसको एक बार फिर से जो हमने गला कटिंग किया था वहाँ पे रखेंगे और प्रॉपर जो एक्स्ट्रा कहीं से भी निकलता है उसको हम कटिंग करेंगे इस प्रकार। और हमने यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम कट लगाएंगे दोस्तों। इस प्रकार मैंने हल्का सा यहाँ पे कट लगाया है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सीधा इस तरीके से किया है। ये मैंने हल्का कट लगाया है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा कि हमें ये गला कैसे बनाना है। स्टिचिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ये पट्टी लेंगे और इसको 3 साइड से फोल्ड करेंगे इस प्रकार 1/2 इंच। ये हमने
पेपर जो पेस्ट किया है उसके ऊपर इस तरीके से पट्टी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पट्टी का सेंटर करेंगे। सेंटर करके हम कमीज का फ्रंट लेंगे और कमीज के फ्रंट को उल्टा हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे। ये जो हम पट्टी रखेंगे ये सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और कमीज का उल्टा हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे। अब हम एक बार लेंथ देखेंगे कि हमने जो लंबाई रखनी है गले की वो कितनी रखनी है। तो मैंने 8.5 पे यहाँ पे निशान लगाया था, एक बार मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये हमारा 8.5 पे पूरा तैयार निशान है। अब हम दोस्तों यहाँ पे जो हमने कट लगाए थे यहाँ पे इस तरीके के जो कट थे, यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। हमने पक्की सिलाई करके तब आगे बढ़ना है और इस साइड हम बारीक सिलाई लगाएंगे। कम से कम गैप रखना है इस साइड, आपने सेंटर में ज्यादा गैप नहीं रखना है। आपने इतना गैप रखना है, बस एक पैर से भी कम गैप होना चाहिए यहाँ पे बीच में हमारा। और इसी कट तक हमने दोबारा इस साइड भी सिलाई इसी कट तक लगानी है और इस साइड भी। जिस कट से हमने शुरू की थी सिलाई वहीं उसके अपोजिट जो दूसरा कट है हमारा वहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। इस कट तक एक बार हम फिर दोबारा कट लगाएंगे हल्का सा इस प्रकार, और सेंटर में दोनों सिलाइयों के बीच कटिंग करेंगे इस प्रकार। दोस्त अब हम जो हमारा ये नीचे वाला कपड़ा है इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और जो हमारी नोक बनेगी यहाँ पे, जो ये नोक आएगी इसको हम आराम से कैंची की सहायता से या सुई की सहायता से नोक निकाल लेंगे। ये एक साइड की मैंने नोक निकाल ली है, इसी प्रकार हम दूसरी साइड की भी नोक निकाल लेंगे। ये हमने दोनों साइड की नोक निकाल ली है दोस्तों। नोक निकालने के बाद दोस्तों हमारी उल्टी साइड का ये इस तरीके से नजर आएगा हमारा पीस, और सीधी साइड का इस तरीके से। अब हमने दोस्तों यहाँ से सिलाई लगानी है, ऊपर कंधी से शुरू करनी है एक एक पैर की। इस साइड भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट करनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमारा ये फ्रंट तैयार हुआ है। अब हम इसको बैक साइड में जो कंधी में जॉइंट करेंगे,
बैक साइड हमने सीधी साइड ऊपर रखनी है। इस प्रकार हमने ये जो शोल्डर हैं हमारे, शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद दोस्तों इस पीस को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। और फिर अब हमने साइज लेना है कि हमने इसमें कॉलर जो लगाना है वो कितने इंच का लगाना है। अब हम इसमें कोट कॉलर जो होता है वो लगाएंगे। यहाँ पे हम जितनी चौड़ी ये सिलाई है इसको हल्का हल्का गोलाई देते हुए कट करेंगे इस प्रकार। अब हमने, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया है, कॉलर जो नापना है या बैंड नापनी हो उसका सबसे आसान तरीका है, इंची टेप हम इस तरीके से रखते हैं और हमने कॉलर यहाँ से चढ़ाना है। यह हमारे जो आगे बोलते हैं इनको ठोके भी बोलते हैं, इस प्रकार जो दोनों साइड इस प्रकार आ जाते हैं। यहाँ से हमने कॉलर का साइज लेना है तो हमारा जो कॉलर आएगा दोस्तों 14 इंच तैयार आएगा। ये हमारा 7 इंच आ रहा है तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये 14 इंच का हमारा कॉलर इसमें तैयार आएगा। कॉलर कटिंग करने के लिए दोस्तों ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से और हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने 14 इंच तैयार रखना है तो हम 7 इंच पे तैयार लगाएंगे निशान। यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे, आप इसको 3.25 भी रख सकते हो, 3.5 भी रख सकते हो और 4 इंच से ज़्यादा कभी भी आपने कॉलर नहीं लेना है। यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे, आप इसकी नोक बढ़ा सकते हो। अगर आपने इसकी नोक बढ़ानी है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ से हमने जो 3 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार, हल्का सा यहाँ से सीधा रखना है इसको निशान को, हल्का सा सीधा रखते हुए हल्की सी मैंने गोलाई दी है। और यहाँ से 3 इंच से ज़्यादा हम आप इसको बिल्कुल इस तरीके से गोलाई देंगे। यहाँ पे आप इसकी नोक सीधी भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा अनुसार है, जैसे भी आप रखना चाहो। तो मैं हल्की हल्की सी सेव देते हुए इसकी इस तरीके की नोक रखूँगा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये कोट कॉलर कटिंग किया है, इसको एक बार हम फोल्ड करके देखेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा ये इस शेप में आएगा दोस्तों। कटिंग के बाद दोस्तों हम इसको पेस्ट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। दोस्तों मैंने ये गला जो ये कॉलर है मैंने पेस्ट कर लिया है और एक साइड से मैंने इसको फोल्ड भी किया है इस तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने पेपर को ऊपर इसको पेपर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है जो हमारी पेपर पेस्टिंग है। अब हम सेम इसी तरीके से एक कपड़ा लेंगे जैसा हमारा हमने पहला कपड़ा लिया था। हमने यहाँ से दोस्तों सिलाई लगानी शुरू करनी है हल्का सा हल्का सा, हमने यहाँ से छोड़ते हुए इस तरीके से हल्का सा छोड़ना है, सिर्फ एक टांके जितना।
इस साइड भी हमने इतना ही छोड़ना है इस प्रकार दोस्तों। और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। इस साइड भी हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अंदर की साइड से बार को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सुई की मदद से हम ये नोक निकाल लेंगे। इस प्रकार हमने दोनों नोक निकाल लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये कॉलर तैयार हो गया है। अब हमने इसका सेंटर करना है। दोनों नोक मिलाते हुए हम यहाँ पे सेंटर करेंगे और सेंटर में निशान या कट लगाएंगे। इसी प्रकार हमने कमीज लेनी है दोस्तों, उसका भी सेंटर करना है। फ्रंट की दोनों नोक मिलाते हुए फिर हमने कंधी मिलानी है। कंधी के बाद बैक साइड का सेंटर इस तरीके से करना है। यहाँ पे भी हम निशान या कट लगाएंगे। अब हमने दोस्तों कॉलर चढ़ाना है इसमें कमीज में। कमीज का हमने जो ऊपर हिस्सा रखना है सीधी साइड का रखना है और कॉलर का भी हमने ऊपर जो हिस्सा रखना है सीधी साइड का रखना है। नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है, नीचे वाला जो पीस है, इस पे इसके ऊपर हम पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो मैंने एक टांके का एक छुड़वाया था, यहाँ से एक टांका छोटा था, यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। नीचे हमने कमीज की इस नोक से शुरू करनी है। यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगाते हुए आगे की सिलाई कंप्लीट करनी है। एक पैर से हल्का ज़्यादा मार्जिन हमने यहाँ पे गले में रखना है। कॉलर लगाते हुए हमने हल्की सिलाई लगाने के बाद देखना है कि हमारे सेंटर दोनों मिल रहे हैं, तो ये दोनों हमारे सेंटर बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों, कॉलर का भी और कमीज का भी। यहाँ पे एक साइड से सिलाई शुरू करते हुए हमने दूसरी साइड कंप्लीट करनी है सिलाई। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम पक्की सिलाई लगाएंगे और धागे की कटिंग करेंगे इस प्रकार। दोस्तों जो हमारा कॉलर आएगा इस प्रकार आएगा। ये दोस्तों हमने सिलाई लगाई है पूरे गले के ऊपर। ये बैक साइड है हमारी और ये फ्रंट में यहाँ तक सिलाई आ जाती है। अब हम इस सिलाई को ऊपर वाली सिलाई से कंप्लीट करेंगे। ये नीचे वाली जो हमने पहली सिलाई लगाई है, इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई ये वाली कंप्लीट करेंगे। Thank you.
मैंने सिलाई लगा ली है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये गला, कॉलर वाला गला कंप्लीट हो गया है। अब इसको प्रॉपर शेप देने के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे हाफ, जैसा मैंने पेपर पेस्टिंग में फोल्ड करके आपको दिखाया था, आधा हमने फोल्ड करना है। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा गला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये कोट कॉलर हमने बड़ी ही खूबसूरती से और बड़ी ही आसानी से आपको बना के दिखाया है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर व लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।